तो फाइनली गाइस इंडिया में लॉन्च कर दी गई है रेडमी की नोट 10 सीरीज, जिनमें तीन वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं कंपनी की तरफ से, रेडमी नोट 10, 10 प्रो और 10 प्रो मैक्स, ये तीनों वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं रेडमी की तरफ से। और इन तीनों की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि इनकी प्राइस क्या रहेगी, इनकी डिटेल्स क्या क्या होंगी, इसके लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 10 Pro Max की। इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंचेस की AMOLED फुल HD डिस्प्ले, जिसका रेजुलेशन 2400x1080 पिक्सल का इसमें आपको रेजुलेशन मिल जाता है, जो कि HDR10 सपोर्ट करता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और इसमें पीक इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको पीक ब्राइटनेस 1200 की इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। यह स्मार्टफोन 3D कवर्ड ग्लास के साथ आता है, इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं। और अगर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 बेस्ड MIUI 12 पर सपोर्टेड करता है। और अगर इसकी कैमरे की बात करें तो कैमरे की तरफ से ये एक काफ़ी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, बिकॉज इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल के इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सुपर माइक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी चार्जिंग 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है यह स्मार्टफोन। और अगर हम इस स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें तो यह आपको तीन कलर में अवेलेबल होगा, विंटेज ब्रॉन्ज, ग्लासी ब्लू, डार्क नाइट, इन तीन कलर वेरियंट में यह मोबाइल अवेलेबल है। और अगर इसके हम वेट की बात करें तो यह मोबाइल 192 ग्राम्स का एक मोबाइल है। इसमें आपको 2 सिम स्लॉट, 1 माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। इन स्पेसिफिकेशंस को जानने के बाद आप इस स्मार्टफोन की रैम रोम और प्राइस की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 10 Pro Max में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB की रैम, 64GB की मेमोरी, 6GB की रैम, 128GB की मेमोरी और 8GB की रैम, 128GB की मेमोरी। तीनों की प्राइस अलग अलग रहेगी। जैसे कि 6GB की रैम और 64GB की मेमोरी के साथ अगर आप इस मोबाइल को परचेज करते हो तो यह मोबाइल मिलेगा आपको 18,999 रुपीज का, और 6GB की रैम, 128GB की मेमोरी के साथ यह मोबाइल आपको मिलेगा 19,999 रुपीज का। और अगर आप इसको 8GB की रैम और 128GB की मेमोरी के साथ अगर आप इस मोबाइल को परचेज करते हो तो ये मोबाइल मिलेगा आपको 21,999 रुपीज का। और इस मोबाइल की फर्स्ट सेल स्टार्ट होगी 18 मार्च के बाद से, 18 मार्च से इस मोबाइल की फर्स्ट सेल स्टार्ट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 10 Pro की। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, और जो कि HDR10 सपोर्टेड है। पीक ब्राइटनेस इसमें आपको 1200 निट्स की इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। और अगर इस स्मार्टफोन के हम कैमरों की बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, और इसमें आपको फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है। Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10 Pro, इन दोनों में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस सेम है, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं बिकॉज यह वीडियो लंबी ना हो इसलिए। और इस स्मार्टफोन में आपको कलर भी सेम देखने को मिलेगा, बैटरी भी इसमें आपको सेम मिल जाती है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको प्रोसेसर भी इसी में सेम मिल जाता है। कैमरे थोड़े डिफरेंट दिए गए हैं, उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। तो केवल अब हम इस स्मार्टफोन की केवल रैम रोम और प्राइस की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 10 Pro में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB की रैम, 64GB की मेमोरी, 6GB की रैम, 128GB की मेमोरी और 8GB की रैम, 128GB की मेमोरी। तीनों की प्राइस अलग अलग रहेगी। जैसे कि 6GB की रैम और 64GB की मेमोरी के साथ अगर आप इस मोबाइल को परचेज करते हो तो यह मोबाइल मिलेगा आपको 15,999 रुपीज़ का। अगर 6GB की रैम, 128GB की मेमोरी के साथ अगर आप इस मोबाइल को परचेज करते हो तो यह मोबाइल मिलेगा आपको 16,999 रुपीज़ का। 8GB की रैम, 128GB की मेमोरी के साथ यह मोबाइल मिलेगा आपको 18,999 रुपीज़ का। और इस स्मार्टफोन की सेल स्टार्ट होगी 17 मार्च से। अब लास्ट में बात कर लेते हैं Redmi Note 10 की। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.43 इंचेस की इसमें आपको फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको 1100 निट्स की इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। डुअल स्पीकर तीनों स्मार्टफोन्स में दिए गए हैं, और इस स्मार्टफोन में भी तीनों स्मार्टफोन में आपको साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर इस स्मार्टफोन के हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 बेस्ड MIUI 12 सपोर्टेड है। अगर इस स्मार्टफोन के कैमरों की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर
और अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है जिसकी चार्जिंग 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। और अगर इस स्मार्टफोन के कलर डिजाइन की बात की जाए तो इसमें आपको 3 कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, एक्वा ग्रीन, फ्रॉस्ट व्हाइट, शेडो ब्लैक। इन 3 कलर वेरियंट में यह मोबाइल अवेलेबल है। लास्ट में बात कर लेते हैं इस मोबाइल की रैम रोम और प्राइस की। तो रेडमी नोट 10 में आपको 2 वेरियंट देखने को मिलेंगे, 6GB की रैम, 64GB की मेमोरी, 6GB की रैम, 128GB की मेमोरी। दोनों की प्राइस अलग अलग रहेगी, जैसे कि 6GB की रैम 64GB की मेमोरी के साथ ये मोबाइल आपको 11,999 रुपीज़ का मिलेगा। 6GB की रैम 128GB की मेमोरी के साथ ये मोबाइल आपको 13,999 रुपीज़ का मिलेगा। और इस स्मार्टफोन की सेल स्टार्ट होगी 16 मार्च से, इस स्मार्टफोन की सेल स्टार्ट होगी। अरे तो इन सारे स्मार्टफोन्स को आप mi.com, amazon.in, mi home और रिटेल पार्टनर से आप इन स्मार्टफोन्स को परचेस कर सकते हो। तो गाइज Redmi Note 10 सीरीज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और आपको इन तीनों स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया उसे भी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।